जरा सोचो, एक आदमी को पकड़कर समय में 1,00,000 साल पीछे भेज दिया जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है इस्तांबुल में, जहां आरिफ और सीकू नाम के पति पत्नी कालीन बेचने का काम करते थे। एक दिन आरिफ का पुराना दोस्त लोगर अपने चेले के साथ उसकी दुकान पर आया और कहने लगा कि बहुत कमाल की चीज उसके हाथ लगी है। लेकिन जब वो आरिफ को वो चीज दिखाने ले गया तो उसने धोखे से आरिफ को कैद कर लिया। असल में ये लोगर की चाल थी ताकि वो आरिफ की पत्नी को चुरा सके। वो कमाल की चीज असल में एक टाइम मशीन है। लोगर ने बहुत आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से अपना शरीर हूबहू आरिफ जैसा बना लिया और कहने लगा कि अब आरिफ की पत्नी उसकी हो जाएगी। जब आरिफ ने उसे बुरा भला कहा तो लोगर के चेले ने टाइम मशीन का बटन दबाकर उसे 1,00,000 साल पीछे भेज दिया। कुछ पलों में ही आरिफ 1,00,000 साल पीछे पहुंच गया, जहां डायनासोर अभी भी जिंदा थे। वहां पर घूमते फिरते उसे कुछ जंगली बंदर दिखाई दिए। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बंदरों के साथ रहने लगा और उन्हें सिखाने की कोशिश करने लगा ताकि वो जल्दी इंसानों में बदल जाएं। कई महीने बीत गए और सर्दी के मौसम में जब आरिफ हल्का होने गया तो हल्का होते होते उसका पेशाब हवा में ही जम गया। वहाँ इतनी ठंड थी जितनी आज के समय शायद एंटार्क्टिका में ही होती हो। इस नई दुनिया में आकर आरिफ बहुत बोर हो रहा था तो वो कुछ भी उलझलूल हरकतें करने लगा। बदकिस्मती से इतने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी वो बंदरों को कुछ नहीं सिखा पाया। उसने हिसाब लगाया कि इनके साथ रहा ना तो मैं भी बंदर ही बन जाऊंगा। इसके बाद वो जंगल में इंसानों की खोज में निकल पड़ा। अचानक रास्ते में उसका सामना एक खूंखार डायनासोर से हो गया जो गुस्से में दहाड़ रहा था। आरिफ की तो फटके चार हो गई, लेकिन फिर उसने देखा कि ये डायनासोर एक माँ है जो अपने अंडों की रक्षा कर रही है। आरिफ तुरंत पीछे हट गया और इससे खुश होकर डायनासोर ने उसे शहद का एक डब्बा दिया। इससे पहले वो उसे खा पाता, उसके पीछे एक भयानक मधुमक्खी पड़ गई और उसने आरिफ को काट लिया। आरिफ अपनी जान बचाकर भागा और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन डंक की वजह से वो बेहोश होने लगा। तभी पेड़ पर उसने 2 आदिवासियों को देखा जिन्होंने उस पर जहरीला तीर चलाकर उसे बेहोश कर दिया। जब आरिफ की आँख खुली तो वो एक गुफा में था जहाँ कई आदि मानव अजीब से भजन गा रहे थे। दरअसल ये लोग अनजान आदमियों पर भरोसा नहीं करते थे और थोड़ी देर में उसे मारने वाले थे। न जाने कैसे पर आरिफ को उनकी भाषा आती थी और उसने उनके लीडर दिमी को समझाया कि वो भविष्य से आया है। अचानक वहाँ दुश्मन कबीले ओरिजियंस ने हमला कर दिया। उनके लीडर का नाम कारगा था और वो लोग दिमी के कबीले को काफी तंग करते थे। इस बार कारगा एक खास पूजा के लिए उनके कबीले के 3 सबसे ताकतवर आदि मानव ले जाने आया था। बदकिस्मती से उसने आरिफ को भी चुन लिया। जब आरिफ ने इनकार किया तो कारगा उसे जहरीले तीर से बेहोश करके अपने गांव ले गया। रास्ते में तासो नाम के एक आदमी का सर पत्थर से टकरा गया और वो अपने घोड़े से गिर पड़ा, जिससे उसकी बाजू की हड्डी टूट गई। कारगा तो उसे वहीं दफन करने लग गया जैसे कि वो मर गया हो। तब तक आरिफ जाग गया और उसने फटाफट जाकर उन्हें समझाया, अबे सालो ये मरा नहीं है। फिर उसने जैसे तैसे जुगाड़ करके तासो की हड्डी पर प्लास्टर बांध दिया। तासो ने उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। जब वो गांव पहुंचे तो पता चला कि कबीले का असली सरदार तो कालिया है, जो असल में तासो का बाप है। कारगा ने तासो से एक मुखौटे के बारे में पूछा जो उसे तासो के कमरे से मिला था। तासो ने बताया कि उसने लकड़ी से मुखौटा बनाया है, लेकिन कालिया ने गुस्से में कहा कि वो अपने बेटे को एक योद्धा बनाना चाहता है, ना कि कलाकार। फिर कालिया ने अपने बचपन की कहानी सुनाई कि उसके बाप कूमो की मौत कैसे हुई थी। एक दिन आसमान से एक उड़न तश्तरी उतरी जिसमें 2 अजीबोगरीब इंसान थे। उन्होंने कूमो को तोहफे में एक बॉल दी। जैसे ही वो वापस जाने लगे, कूमो खुशी से उनके पीछे दौड़ा और स्पेसशिप के इंजन की आग से मारा गया। उस दिन से कालिया आविष्कारकों से नफरत करने लगा। अपने पिता से मिलने के लिए उसने स्वर्ग तक जाने वाला टावर बनवाया, लेकिन जो भी उस टावर पर चढ़ता था वो कभी जिंदा ही नहीं लौटा। असल में इन 3 आदमियों को टावर पर भेजने के लिए लाया गया था। आरिफ ने अपनी मर्जी से आगे जाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे टावर की चोटी तक पहुंच गया। वहां पर एक अजीब से आदमी को देखकर उसे लगा कि यही कालिया का बाप होगा, लेकिन आरिफ को देखकर वो डर के मारे पीछे हट गया और वहां से नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। आरिफ भी नीचे लौट आया और उसे जिंदा देखकर सब हैरान रह गए। वो कालिया के पिता को वापस तो नहीं ला सका, लेकिन कालिया ने उसे माफ कर दिया। बातों बातों में पता चला कि तासो एक दूसरे गांव की लड़की मिमी को बहुत पसंद करता था। ये बात सुनकर आरिफ को भी अपनी पत्नी सीकू की याद आ गई। उसने तासो से कहा कि उसे कैसे भी करके अपने समय में वापस जाना है, लेकिन तासो ने बताया कि कालिया ने तो सारे आधुनिक औजार जब्त करके गुफा में छुपा रखे हैं।
पहले तो तासो ना नुकर करता रहा, लेकिन जब आरिफ ने कहा, बेटा देख तेरी और मिम्मी की ना सेटिंग करवा दूंगा मैं लेकिन मदद करनी पड़ेगी मेरी भी। उसकी ये बात सुनकर तासो तुरंत मान गया, लड़की का चक्कर देख रहे हो, बाप से गद्दारी कर रहा लौंडा। फिर रात को तासो और आरिफ गुफा में औजार चुराने पहुंचे, लेकिन अफसोस दोनों पकड़े गए और गुस्से में कालिया ने अपने ही बेटे को कहा, जा आज से तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। इसके बाद तासो और आरिफ गांव छोड़कर निकल गए। मिम्मी को तासो पसंद नहीं था, लेकिन आरिफ ने तासो का बनाया टैटू दिखाकर उसका दिल जीत लिया। फिर वो सब दिमी के गांव पहुंचे और आरिफ ने एक नई सभ्यता शुरू करने का ऐलान किया। उसने दिमी की मदद से कालिया की गुफा में छुपे औजारों को चुराने का प्लान बनाया। दिमी और उसके आदमी उनसे पहले ही चिढ़ते थे तो तुरंत मान गए। अगली रात आरिफ और तासो फिर से कालिया की गुफा में घुसे और गांव वालों की मदद से सारे औजार गांव में ले आए। बिना समय गवाए आरिफ ने वो सारे आविष्कार किए जिससे इंसानी जाति आगे बढ़ी। आरिफ की वजह से वो हजारों साल आगे बढ़ चुके थे और जिंदगी बेहद आसान हो गई थी। औरतें अब आसानी से घर पर खाना पका सकती थी और बच्चे स्कूल जा सकते थे। आरिफ को मंत्री बना दिया गया, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि गांव वालों की सोच अभी भी आगे नहीं बढ़ी थी। उधर जब कालिया को पता चला कि गुफा को आरिफ और तासो ने लूटा है, तो उसने गुस्से में कारगा को उन्हें मारने के लिए भेजा। लेकिन जब कारगा गांव पहुंचा तो इतने आविष्कार देखकर दंग रह गया। वो चोरी का सामान वापस मांगने लगा, लेकिन आरिफ ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। इससे कारगा को गुस्सा आ गया और उसने फौज लाकर उन पर हमला करने का ऐलान किया। एक दिन आरिफ मिम्मी तासो और बाकी गांव वालों को पास के जंगल में घुमाने ले गया, लेकिन जब वो सब वापस लौटे तो गांव की हालत देखकर वहीं जम गए। कालिया के आदमी पूरे गांव को तबाह करके सारा सामान ले गए थे। इन लड़ाइयों से तंग आकर आरिफ ने कालिया के पास जाकर 6 लोगों के फुटबॉल मैच की चुनौती दे दी। अगर उसकी टीम जीती तो कालिया को सारा सामान वापस लौटाना होगा, और अगर वो हारा तो वो कालिया के पिता को वापस लाने के लिए सबसे लंबा टावर बनाएगा। कालिया एक पल में मान गया। असल में वो लोग काफी समय से कुओं की याद में बॉल्स से खेलते आ रहे थे, इसलिए कालिया को टीम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसने 6 सबसे चुस्त और ताकतवर खिलाड़ी चुन लिए। उधर आरिफ के गांव वालों ने तो फुटबॉल का नाम पहली बार सुना था। तभी मिमी ने बताया कि गांव में कुहारा नाम का एक आदमी रहता है जो पहले गोलकीपर हुआ करता था। उसने एक ही मैच में 8 गोल मारे थे और फिर उसने खेलना छोड़ दिया। आरिफ ने उसे टीम में लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार दिमी गोलकीपर बनने को तैयार हो गया। आरिफ और तासो स्ट्राइकर बन गए और बाकी के खिलाड़ी भी यूं ही चुन लिए गए। इसके बाद उनकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो गई और सारी औरतों ने मिलकर उनके लिए जर्सी बनाई। कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद आरिफ की टीम बढ़िया तरीके से खेलने लगी। जल्द ही मैच का दिन आ गया। मैच शुरू हुआ और कालिया की टीम शुरुआत से ही हावी होने लगी। उन्होंने आसानी से 4 गोल दाग दिए, जबकि हाफ टाइम से पहले आरिफ की टीम 1 गोल भी नहीं कर पाई। हाफ टाइम ब्रेक में आरिफ ने अपनी टीम से कहा कि वो असल में एक एलियन है और दूसरे ग्रह से यहां रहने आया है। उसके पास कुछ शक्तियां हैं जिससे वो मैच का पासा पलट सकता है। अब उसे अपनी टीम को जिताने के लिए एलियन बनना ही होगा। हालांकि इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी गांव वाले गुस्सा नहीं हुए, बल्कि वो तो उसकी शक्तियां देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। जैसे ही दूसरा पड़ाव शुरू हुआ, आरिफ ने अपनी शक्तियों का जादू चलाना शुरू कर दिया। खतरनाक स्टंट दिखाते हुए उसने अपनी टीम के लिए 3 गोल कर दिए। वहीं मैच के दौरान तासो की एक दूसरे खिलाड़ी से हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद उसे बाहर होना पड़ा। दिमी के भी एक हाथ में चोट लग गई और अब वो आगे नहीं खेल सकता था। अब एंट्री हुई कुहारा की, जिसने गोलकीपर की जगह संभाली। उसने लोहे की दीवार बनकर हर गोल रोक दिया। अब मैच खत्म होने में कुछ ही पल बाकी थे और आरिफ ने हवा में उड़ते हुए जबरदस्त शॉट मारा और ये गोल। आखिरकार आरिफ की टीम जीत गई और गांव वाले खुशी से नाचने लगे। कालिया ने भी उनकी तारीफ की और गांव वालों से दूर रहने का वादा किया, लेकिन जीतने के बाद भी आरिफ दुखी था। वो जानता था कि लोगर ने उसकी पत्नी सीकू को बंदी बना लिया होगा। अब लौटने का भी कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने गांव छोड़कर इधर उधर भटकने का फैसला किया। जाने से पहले उसने तासो को अपनी घड़ी और मिमी को अपनी अंगूठी तोहफे में दी। तभी अचानक जोरदार लाइट दिखाई दी और सीकू भी वहां पहुंच गई। आरिफ उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। सीकू ने बताया कि जब आरिफ लोगर के साथ चला गया था तो उसने खबर देखी कि एक जगह से 10 लाख साल पुरानी अंगूठी और घड़ी मिली है।
उन्हें देखकर सीकू एक पल में समझ गई कि ये तो मेरे पति आरिफ की हैं। फिर उसे सारा माजरा समझ में आया कि जो आरिफ उसके सामने है वो नकली है, इसलिए उसने नकली आरिफ को बंदूक दिखाकर अपने पति का पता पूछा। आखिरकार वो लोगर की टाइम मशीन से वहां आ पहुंची। फिर आरिफ और सीकू ने गांव वालों को अलविदा कहा और अपने समय में वापस लौट गए। वहां जाकर उन्होंने इस बार लोगर को 10 लाख साल पीछे भेज दिया। पहले तो गांव वालों को लगा कि ये आरिफ है, लेकिन जब लोगर उन्हें गालियां बकने लगा तो वो सारी बात समझ गए। ऊपर से ये भी पता चला कि जिस उड़न तश्तरी से कालिया का बाप मरा था वो असल में लोगर की ही थी। गांव वालों को गुस्से में अपनी ओर बढ़ता देख लोगर की हालत पतली हो गई। आखिरकार उन्होंने उसे धर दबोचा और यही कहानी खत्म हो गई। तो अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम समय में आगे जाना चाहोगे या पीछे, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो।